अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चार्ट पेपर से केक बॉक्स बनाना। गला मेरा बहुत ख़राब है, मगर मैं इकरा सिर्फ आपकी फरमाइश पे, मेरी प्यारी बहन, मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी दो दफ़ा वादा कर चुका हूँ, और वीपीवीप के बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे और मेरी मिसेज सईदा को बोला कि इस बॉक्स को हमें भी बनाना सिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप अपना केक बोर्ड डिसाइड करें कि आपका साइज़ क्या है केक बोर्ड का। आप उसके बाद आपने अपनी केक की हाइट लेनी है कि आपकी केक की हाइट क्या आ रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल 3 इंच आपका केक, रेडी केक जो है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपने केक बोर्ड लिया, आपने उसका सेंटर लिया, उसके बाद आपने केक की हाइट लिया आपने। ये मैं 3 इंच के हिसाब से, अगर आपका 3 इंच का केक रेडी हो रहा है तो उसके हिसाब से मैंने 4 इंच को चारों तरफ से मार्जिन कर लिया कि 4 इंचेस आपका, ये आपका चारों तरफ से 4 इंचेस आ गया है। आपने केक बोर्ड का निशान लगा लिया, उसके बाद आपने ये आपने अपने सहूलत के लिए कर लिया कि आपने ये निशान लगा लिया केक बोर्ड का। उसके बाद आपने 1/2 इंच के हिसाब से मार्जिन लगा के ये आपकी लाइन आ गई केक बोर्ड की। उसके बाद ये 1/2 इंच आ गया, 1/2 इंच के हिसाब से आपने निशान लगा लेना, पूरी लाइन लगा लेनी अपनी फुल चार्ट पे। ये सारी गेम मेजरमेंट्स की है। अगर आपकी मेजरमेंट्स अच्छी होंगी और लाइंस आपकी सीधी होंगी तो आपका केक बोर्ड बहुत, बॉक्स बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं मार्कर से लाइंस लगा रहा हूँ आप लोगों के, प्रोमिनेंट आप लोगों को हो जाए। ये हमारा रेडी है बॉक्स। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। आपने कोई भी एक दो साइड्स ले लेनी है आपने, जो कटिंग करनी है इसकी। ये चारों साइड से नहीं आपने काटना, ये देखें ये 1/2 मैंने यहां से काट लिया है, 1/2 मैंने यहां से काट लिया है। अब आपने इसको फोल्ड करना है। ये स्केल से मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी ये स्ट्रेट आएगा। ये चार्ट पेपर इतने हार्ड तो नहीं होते हैं, मगर थोड़े से मोटे होते हैं। मैक्सिमम 4 पाउंड आपका ये वेट बियर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का ना आप कीजिएगा। चारों साइड पे से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, ये आपका केक बोर्ड रेडी है।
आप चाहे तो इसको ग्लू गन से जोड़ लें, चाहे स्टेपलर कर लें। ये देखिए, ये हमारा बॉक्स रेडी है। इसी तरह सेम ऐसे ही हम इसका कवर बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने कवर इसका बनाया हुआ है। ये सेम आपका केक बोर्ड साइज हो गया। फिर उसके बाद हाफ इंच के चारों तरफ से मार्जिन हो गया हाफ इंच का। ये आपका बॉक्स रेडी है, कवर रेडी है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे जैसे मर्जी करें। ये मैं सेम वैसे ही इसकी कटिंग कर रहा हूँ। और इसको भी आप सेम वैसे ही फोल्ड कर लें। ये देखिए, ये आपका कवर इसका रेडी है। अब बीच में से इसका जो आपने कटिंग करनी है, ये मैंने दो स्क्वेयर्स बनाए हुए हैं, एक डायमंड शेप बनाया हुआ है। ये अब आप लोगों की मर्जी है, आपने उसको सेंटर में से डायमंड शेप करना है डायमंड शेप करें, स्क्वेयर करना है स्क्वेयर करें। सर्कल आपका पहले से लगा हुआ है केक बॉक्स का, आपने अगर उसका सेंटर लेना है तो आप इस तरह इसका सेंटर ले सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सेंटर आपके पास आ गया, आपने मेजर करना है, आपने 2 इंचेस का छोड़ना है, 3 इंचेस का छोड़ना है, 5 इंचेस का छोड़ना है। ये अब आप लोगों को डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको करना है, आपने डायमंड शेप करनी है या स्क्वेयर करना है। ये मैं आपके सामने एक कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सर्कल आपका स्क्वायर आपका निकल गया। ये शीट होती है, ये बुक शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। ये बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ होती है। जी व्यूअर्स, ये आपको शीट किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी। ये बच्चों की बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ होती है। ट्रांसपेरेंट शीट्स और भी होती हैं, आप ट्रांसपेरेंट में आपका क्या कहते हैं, फ्लावर्स वाली भी शीट्स होती हैं। इसको आप टेप से जोड़ लें।
या ग्लू गन से जोड़ लें। ये जी, ये आपका कवर रेडी है, ये आपका बॉक्स है। ये आपका बॉक्स है।